जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मित्रों में शेयर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास को एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो आप सभी लोग मेहनत करिए और जल्दी से सफल होइए। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेमा खांडू। ठीक है, वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल यहाँ के वी डी मिश्रा। लोकसभा सीटें यहाँ पर दो हैं, राज्यसभा सीट एक है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करें। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, डॉक्टर मणिक साह। मणिक साह वर्तमान समय में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। यहाँ की जो राजधानी है अगरतला, गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, राज्य का गठन हुआ था। राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर दो हैं, राज्यसभा सीट एक है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं अगले ऑप्शन पे, वर्तमान समय में नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं तो कोहिमा एक राजधानी है। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, राज्य का गठन हुआ था। राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीट यहाँ पर एक है, राज्यसभा सीट एक है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, आपने याद रखना है। और सभी लोग इस पॉइंट को स्टार बनाकर नोट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एन बीरेन सिंह। ठीक है, इनका नाम है एन बीरेन सिंह, वर्तमान समय में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजधानी यहाँ की इम्फाल। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, राज्य का गठन किया गया। राज्यपाल यहाँ के हैं ला गणेशन। लोकसभा सीटों की संख्या दो, राज्यसभा यहाँ पर एक है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मिजोरम राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, सभी लोग कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जोरम थंगा। ठीक है, जोरम थंगा मित्रों मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। मिजोरम राज्य की जो राजधानी है, राजधानी यहाँ की आइजोल। गठन हुआ था इसका 20 फरवरी 1987 को, राज्य का गठन किया गया। राज्यपाल यहाँ के डॉक्टर हरिबू कंभापति। ठीक है, लोकसभा सीट यहाँ पर एक, राज्यसभा सीट एक और विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, सभी लोग कमेंट करिएगा।
असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वा सरमा। ठीक है, हेमंत बिस्वा सरमा असम राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, अपने याद रखना है। असम से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम की राजधानी की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी है दिसपुर। राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट यहाँ पर 7 है और विधानसभा सीट यहाँ पर 126 यानी 126 है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितनी क्वेश्चन का सही आंसर किया है। ठीक है, मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करिएगा कानराड संगमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, यहाँ की राजधानी है शिलांग। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री, सही आंसर इसका प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रेम सिंह तमांग वर्तमान समय में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। गठन हुआ था 16 मई 1975 को, राज्य का गठन हुआ था। राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद। लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 1 है, सॉरी राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 32 यानी 32 विधानसभा सीटें हैं, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए वाला, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर है। लोकसभा सीट यहाँ पर 4, राज्यसभा सीट यहाँ पर 3 है और विधानसभा यहाँ पर 68 यानी 68 सीटें हैं विधानसभा की। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राज्य का गठन 9 जनवरी, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था राज्य का गठन। राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5, विधानसभा सीट यहाँ पर 71 है और राज्यसभा की बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इनको नोट करते जाएंगे। वर्तमान समय में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, सभी लोग कमेंट करिएगा। पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 117 हैं, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, वर्तमान समय में हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, आपने याद रखना है। हरियाणा से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट यहाँ पर 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 90 हैं, आपने याद रखना है। सभी लोग पॉइंट को नोट करते चलेंगे और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा।
अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने याद रखना है, और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के आनंदी बेन पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 403। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 100 है। और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं, अपने याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, बिहार की राजधानी की बात करते हैं, पटना राजधानी है। 22 मार्च 1912 को राज्य का गठन हुआ। राज्यपाल फागू चौहान। लोकसभा सीटें यहाँ पर 40 हैं। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानसभा 243, विधान परिषद आपकी है 75, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, झारखंड की राजधानी जो है रांची है। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। राज्यपाल रमेश वैस है। लोकसभा सीट यहाँ पर 14, विधानसभा 81 और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं यहाँ पर 6 है, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा सीट यहाँ पर 42, राज्यसभा सीट यहाँ पर 16 है और विधानसभा सीटों की बात करते हैं कि 294। ठीक है, 294 यहाँ पर विधानसभा सीटें, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, उड़ीसा की जो राजधानी है मित्रों, भुवनेश्वर। राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 147 यानी 147 है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है मित्रों भोपाल। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीट यहाँ पर 29 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर 11 है, विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? ठीक है, विधानसभा सीट यहाँ पर 203 है, ये पॉइंट आपने अच्छे से रखना है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का जो गठन है मित्रों 1 नवंबर 1956 को किया गया था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर रहेगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं यहां से,
छत्तीसगढ़ की जो राजधानी उत्तर रायपुर, राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया विके, लोकसभा सीट यहाँ पर 11 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीटों की बात करते हैं यहाँ पर 90 है, आपने यह रखना है। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको नोट करेंगे, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपने याद रखना है। राजस्थान राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर है। राज्य का गठन 31 मार्च 1949 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीटों की बात करते हैं यहाँ पर 200 है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, वर्तमान समय में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राज्य का गठन 1 मई 1960 को। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीट यहाँ पर 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीटें यहाँ पर 182 है, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग कमेंट करेंगे। वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ शिंदे। ठीक है, इनका हाल ही में गठन हुआ है एकनाथ शिंदे के, और एकनाथ शिंदे से जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम था उद्धव ठाकरे। ठीक है, एकनाथ शिंदे से पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। और वर्तमान समय में आप कहें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? उत्तर मुंबई। राज्य का गठन 1 मई 1960 को। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें यहाँ पर 48 है, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 19 है, आपने याद रखना है। भारत की जो सॉरी महाराष्ट्र की जो राजधानी है मित्रों मुंबई, और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बसवराज बम्बई। ठीक है, बसवराज बम्बई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है, अपने याद रखना है। कर्नाटक से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजधानी बेंगलुरु। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 और विधान परिषद को सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 75, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट करेंगे, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है प्रमोद सावंत। ठीक है, वर्तमान समय में गोवा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, गोवा की राजधानी है पणजी। राज्य का गठन 30 मई 1987 को। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा यहाँ पर 40 है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर इसका पिनराई विजयन, ऑप्शन नंबर बी, पिनराई विजयन वर्तमान समय में केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल यहाँ की आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और यहाँ पर विधानसभा 140 है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमके स्टालिन। ठीक है, एमके स्टालिन वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ की राजधानी है चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को राज्य का गठन हुआ। यहाँ के राज्यपाल है R.N. रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा की बात करते हैं 234 यहाँ पर, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है?
सभी लोग कमेंट करिएगा आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर है जगमोहन रेड्डी। ठीक है, जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी है अमरावती। राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट यहाँ पर 175 है और विधान परिषद यहाँ पर 50 है। ठीक है, आपने याद रखना। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आपने याद रखना है। 1953 में भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राज्य का गठन 2 जून 2014 को। राज्यपाल तमिल साई सौंदर्य राजन। लोकसभा सीट यहाँ पर 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा 19 और विधान परिषद यहाँ पर 40 है, आपने याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उपराज्यपाल यहाँ के विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 70 है, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन रंगा स्वामी वर्तमान समय में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं तमिल साई सौंदर्य राजन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा यहाँ पर 30 है, आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक तो श्रीनगर है जो ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर रहती है और शीतकालीन में आपकी जम्मू पहुंच जाती है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर 4 है। अगला पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख की जो राजधानी मित्रों लेह। यहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल। ठीक है, और ये उपराज्यपाल भी है राधा कृष्ण माथुर क्या है मित्रों? उपराज्यपाल। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार राजधानी यहाँ की है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल है एडमिरल डी के जोशी। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है, आपने याद रखना है। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है। अगला ऑप्शन है दादर व नागर हवेली एवं दमन और दीप। राजधानी की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी है दमन। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यहाँ के हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 है, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके राजधानी से जुड़े इंपोर्टेंट पॉइंट। लक्षद्वीप की बात करते हैं, राजधानी यहाँ की कावारती। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है। सभी इंपोर्टेंट पॉइंट हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हमने प्रश्न कवर करे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। और मित्रों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए यहाँ पर और सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।